तो स्क्रीन पर अभी जो आपको मैंने वीडियो दिखाया उसमें बेसिकली चार टाइप की एरर आपको नजर आ रही है। उसमें सबसे पहली एरर है सर्विस एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, दूसरी एरर जो है वो है आपकी डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क सर्विस रिक्वायर्ड, और तीसरी जो एरर है वो है आपकी सर्विस हिल होल्डर की, और चौथी जो एरर है वो है आपकी सर्विस ईएससी सिस्टम की। तो ये चारों एरर जो है वो आना शुरू कैसे हुआ उसका अगर मैं आपको डीप में बताऊं, तो मैंने अपनी गाड़ी अचानक स्टार्ट की, मेरी है जीप कंपास 4x4 2020 मॉडल है, और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो 2 सेकंड के लिए मुझे चलाते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि एक्सीलेटर देने के बाद भी गाड़ी जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, मतलब न तो कुछ आगे बढ़ रही है और ना ही कुछ रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। और अचानक से वो जैसे ही रिस्पॉन्स चालू हुआ गाड़ी का तो डिस्प्ले पर एरर आना शुरू हो गया। अब जो फर्स्ट टाइम जो एरर मुझे आना शुरू हुआ था ना, वो ये चार एररों के अलावा और भी दो चार एक्स्ट्रा एररें जो थी वो तब डिस्प्ले हुई थी। अब उसमें से मैं कुछ एररों के नाम आपको लूं जो मुझे याद है, तो सबसे पहली एरर थी 4x4 नॉट अवेलेबल, फिर दूसरी जो एरर थी वो थी कि ऑटो पार्किंग ब्रेक नॉट अवेलेबल, और तीसरा जो था वो था कि हिल असिस्ट नॉट अवेलेबल। अब पहले जो मैंने आपको वीडियो में एरर दिखाई उसमें था सर्विस रिक्वायर्ड, लेकिन ये जो एरर मैंने जो अभी आपको बताई वो थी नॉट अवेलेबल, मतलब कि ये फंक्शंस अभी आपकी गाड़ी के काम नहीं करेंगे। मेरे घर से सर्विस स्टेशन जो है वो 8-10 किलोमीटर ही दूर है, तो बिना कुछ सोचे मैंने अपनी गाड़ी को सर्विस स्टेशन की तरफ मोड़ लिया, और बीच में मैंने कम से कम अपनी गाड़ी को 3 बार स्टार्ट और 3 बार स्टॉप किया। तो कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा एरर्स जो थी वो कभी कभी डिस्प्ले होती थी, और कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा एरर थी वो डिस्प्ले नहीं होती थी। हो सकता है अगर आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो, आपकी गाड़ी अगर मैनुअल है या ऑटो है या कुछ ज्यादा फंक्शंस है अभी लेटेस्ट मॉडल वाली गाड़ियों में कुछ एक्स्ट्रा, तो हो सकता है उसमें कुछ एरर है आपको ज्यादा भी दिखाई देंगी, तो और हो सकता है कि मैनुअल गाड़ी में कुछ सेंसर्स अवेलेबल ना होने के कारण उसमें थोड़े बहुत जो है वो एरर्स जो है वो आपको कम देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली मैंने अपनी गाड़ी को 3 बार स्टार्ट और 3 बार स्टॉप किया बीच रास्ते में खड़ी रखकर, तो तब भी कुछ एरर जो थी वो मुझे एक्स्ट्रा मिली और कुछ एरर जो थी वो कभी कभी मुझे डिस्प्ले नहीं हुई। अल्टीमेटली ये चार जो वीडियो मैंने एरर आपको दिखाई वो लास्ट का वीडियो है जो मैंने सर्विस सेंटर के वक्त गाड़ी वहां रखने के टाइम पे मैंने लिया था, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे ये चार एरर जो थी वही बरकरार रही थी। बाकी सारे एरर मैंने उधर भी गाड़ी को कम से कम 5 से 6 बार स्टार्ट स्टॉप किया होगा, क्योंकि सर्विस सेंटर पर पहुंच जाने के बाद मुझे ज्यादा कोई डर नहीं था, तो कम से कम मैंने 5 से 6 बार गाड़ी को स्टार्ट और स्टॉप किया, लेकिन तब एक भी बार ये जो एरर थी वो डिस्प्ले नहीं हुई। शुरुआत के टाइम पे ये एरर जो थी वो डिस्प्ले हुई थी। गाड़ी को सर्विस सेंटर पर रखने के बाद 2 दिन उन्होंने मांगे मुझसे, और उन्होंने कहा कि सर ये कॉमन प्रॉब्लम है और ज्यादातर इसमें ABS सेंसर का ही फॉल्ट होता है, और या तो आपका एक ABS सेंसर खराब हो सकता है या तो आपके चारों ABS सेंसर खराब हो सकते हैं, तो उसमें से कोई भी ABS सेंसर जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। अब ABS मैंने रिप्लेस करवा दिया, मेरी गाड़ी तो वारंटी में थी, तो मुझे जो गाड़ी का बिल जो अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें एग्जैक्ट अमाउंट अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जैक्ट अमाउंट है 4,976 रुपये, मतलब कि 4,976 रुपीस। अब इसमें लेबर वेबर जोड़ के और ये सब कुछ करके ये पार्ट है, कुल मिला के खाली अगर ABS सेंसर के कॉस्ट का बात करें तो एक नॉर्मल ABS सेंसर का प्राइस वहां पर 4,254 रुपये, 4,253.99, मतलब 4,254 रुपीस ही एग्जैक्ट आप समझ लो, तो इतने रुपये का एक ABS सेंसर जो है वो पड़ता है। तो वो लोग स्कैन करेंगे आपकी गाड़ी को, जितने ABS सेंसर उन लोगों को खराब मिलेंगे उसके बाद वो लोग उसे रिप्लेस करेंगे। मेरी वारंटी में थी इसलिए मेरी गाड़ी को 2 दिन लग गए। अगर आपकी गाड़ी वारंटी में नहीं है तो इंस्टेंटली आपका गाड़ी का वो लोग 2-3 घंटे में स्कैन कर देंगे, स्कैनिंग रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद तुरंत ही सेंसर बदल के आपको आपकी गाड़ी 1 दिन में ही मिल जाएगी वापस के वापस। लेकिन अगर वारंटी में है तो क्लेम के लिए थोड़ा प्रोसेस का टाइम लगता है, इसलिए हो सकता है कि आपको 1 या 2 दिन गाड़ी के वारंटी क्लेम पास होने के लिए लग जाए, तो इसलिए मेरी गाड़ी को 2 दिन लगे हैं। और उन्होंने एक और चीज बताई कि अगर बीच रास्ते में कहीं पर भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ये एरर के रिलेटेड या ABS सेंसर के रिलेटेड,
तो आप अपनी गाड़ी को निश्चिंत होकर चलाइए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सर्विस स्टेशन पर पहुंच जाइए। और अगर आपको कहीं दूर जाना है या 100-150 किलोमीटर भी ट्रैवल करना है, या आप अगर हाईवे पर हैं, आजू बाजू में आपको कुछ पता नहीं है, या आपको जल्दी कहीं पहुंचना है, तो भी आप बिना किसी संकोच के आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। इसमें आपकी गाड़ी को किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं होगा, ऐसा मुझे सर्विस सेंटर वालों ने बताया था। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये ABS वाला आम प्रॉब्लम है। और एक और चीज उन्होंने ये बताई कि एक ABS सेंसर खराब होने के बाद बारी तो सबकी आएगी, मतलब कि धीरे धीरे करके आपके जो है वो चारों सेंसर जो है वो खराब होने हैं। अभी आपका एक हुआ है, बाद में दूसरा होगा, बाद में तीसरा होगा, बाद में चौथा होगा। तो अल्टीमेटली जब तक आपके चारों सेंसर जो है वो रिप्लेस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, बहुत ही ज्यादा है। ऐसा सर्विस सेंटर वालों ने मुझे पहले से ही इंटीमेशन जो है वो दे दिया है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी अगर आपके पास चीप कंपास है तो, क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम किसी ना किसी वक्त आपको हो सकता है शायद फेस करना पड़े। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।